हरियाणा देखण और सुनने वाले ने भाई जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। जगह किराया पर दे तो सावधान हो जो, क्योंकि किसी टाइम भी कोई भी दुर्घटना उसका हर आपने जेल में भी जाएगा आना पड़ सके। मेरे गले जो आंटी बैठी है इनके गले बात करांगे, इनके गले ईशा वाक्या बीते है नोबिलिया किराया पर दे दिया और उसके बाद में जो घटना इनका गला घटी इनकी जिंदगी जंग को और रख दी। राम राम जी, राम राम जी। ये दिक्कत हुई, कुकर किस तक दिया था किराया पर बताओ मैंने तो। जी 2021 में दिया था। रेखा नाम की लेडीज है, यहीं रहती थी पहले टोआना। वैसे वो पंजाब की रहने वाली है। तो मैंने किसी के बीच में लेके कोई बंदा मेरे पास आया तो मैंने अपना मकान रेंट पे दे दिया। उसके देने के बाद 2-3 महीने वैसे वो सही रही। उसके बाद थोड़ा सा उसके सिस्टम खराब था तो मेरे को नहीं पता चला। आप भी उसी घर में रहते थे अलग जब नहीं जी, तक मैं उसी घर में थी। मेरा ऊपर वाला पोर्शन किराए पे था, मैं नीचे नीचे वाला रह रही थी। मेरी विद आपने फैमिली, हाँ जी, हम नीचे रह रहे हैं पूरे बच्चे। मैं तो मेरे को नहीं पता था वो कैसे, मैंने विश्वास में आके दे दिया था। कभी ऐसा हुआ था कि कुछ गलत चल ना गया। जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल शरीफ थी वो। ऐसे लग रही थी भी बिल्कुल कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकती जितना बदला उसने हादसा मेरे साथ कर दी। अच्छा क्या करे उसने क्या किया जी, 2 महीने रहने के बाद पता नहीं मेरे को तो किसी ने उसके बातों में आया या क्या किया। वो उसका थोड़ा सा वो हो टाइप में लेडीज थी। बाद में मेरे को पता चला वो किसी लड़कों के साथ रिलेशन में आके चली गई और मेरे को कोई पता नहीं था। उससे 10 दिन बाद आके मेरे ऊपर पर्चा दर्ज करवा दिया। पर्चा दर्ज करवाने के बाद पूरा प्लानिंग थी उसकी, एक मेरे से घर से मतलब निकालने की और कब्जा करने की मेरे मकान के ऊपर। उसके बाद बस मेरे को पर्चा दर्ज करवा के 376 का मेरे को जेल भेज दिया। जबकि मैंने 2 साल जेल में काटे, मेरे बच्चे आश्रम में रहे हैं, मेरा कोई नहीं है वैसे। इसलिए थोड़ा आपके घर में और कौन कौन है। मेरे कोई नहीं है, बस मेरे हस्बैंड नहीं है, मम्मी डैडी गुजर चुके हैं, मेरे 2 बेटियां हैं, बस मैं हूँ। जिसके बढ़िया, बाद सीधे तौर पे मैंने, लू कहता है आपके घर में आ गए प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की बात हुई, हाँ जी, बस मेरे सारा पुलिस खत्म कर प्रशासन आकर दिया हूँ। किक्क तोड़ियां और दरखास्त लाई हो किसी बिल्कुल, की। बहुत दरखास्त लगाई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। अब तक भी दरखास्त लगा चुकी है अब मैं। और मेरे घर में टोटल सामान था जो सारा मेरा सामान उठा के ले गई। बल्कि वो इसी टुवाने में रह रही है, पुलिस से बेक ऑफ, पुलिस उसके साथ है। और कहाँ मेरे के नाम को उनका ये मसाला फैक्ट्री में रह रही है, रेखा नाम की लेडी है, वाइफ ऑफ जगसीर है उसके हस्बैंड का नाम। वो 3 बहनें हैं, टुवाणा में रह रही है, जो उनका धंधा ही है ये। अब 2 महीने पहले फिर एक ब्लैकमेल और करा इस बंदे को, भुनेगे को, उनका धंधा ही है ये। हाँ जी जे बात करा आपने बेरा पट गया, इब जो मामला है नहीं आप पे, आप जेल में रह गए आए हो उसमें बरी हो गए या आप हाँ चले जी गए। हाँ जी मेरी बलवंत सिंह के पास था जी केस को, फतेहाबाद कोर्ट में उन्होंने मेरे को बरी करा। इसके बयानों के आधार पर जब देखा कि ये झूठी पाई गई वहां पे, जो भी पुलिस वालों ने जो सबूत दिए हैं उसमें ये झूठी पाई गई है। मेरी साजिश थी इसकी, एक मेरे को घर से निकालने की, फंसाने की। बच्चे के क्या आपका मेरे 2 बेटियां हैं जी, छोटी छोटी, कितने मैं दिनों विडो से लेडीज हूँ। हाँ जी, मेरे बस अकेली रहती हूँ। संदेश के देना चाहोगे और भी जो है मान के आज किराया पर घर दे दे हैं मैं तो उनको। ये एक ही संदेश देना चाहती हूँ सभी बहन भाइयों को हाथ जोड़ के, कि ऐसी लेडीज से सावधान रहना, चाहे कोई भी है, कितना भी कोई शरीफ है, देखभाल के अच्छे से तो देखना, नहीं तो वरना नहीं देना चाहिए। मैं तो यही चाहती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इससे अच्छा है तो कुछ भी कर लो, पर मकान किराए पे मत देना किसी को। तो भाई एक बड़ी बात है, जे किसी तक घर दे वहां किराया चाह अपना किराए अपना गला बोलता बंदा बैठता हो, लेकिन उसका गला पूरा एग्रीमेंट करके बढ़िया तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन कराएगा फिर दो, नहीं किसी ने घर ना दो किराया और पर। और मैंने जब जेल से बाहर आने के बाद, मेरे को 2 महीने हो गए बाहर आई को, तो उससे 5 दिन बाद ही मैंने सिटी थाने में एप्लीकेशन लगाई थी। जब मैंने अपना घर देखा, ये घर में मौजूद थी मेरे, फिर मैंने इसको 2-4 मेरे बहन भाई लेके मैंने बाहर निकाला। निकालने के बाद जब मैंने देखा कि मेरा सामान सारा ले गई, एप्लीकेशन अब तक भी लगाई हुई है, जो पुलिस अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही मेरी, और मेरा सामान मेरे से वापस दवाया जाए, इसके ऊपर कार्रवाई करी जाए सख्त सामान से क्या क्या सख्त। लेगी अपना ये टोटल सामान लेके जी, मेरा वॉशिंग मशीन, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक का, फर्नीचर का, जो भी किचन का, सब ले गई मेरा सामान जी। तो भाई, दुख का नुकागर नहीं पहाड़ पड़ गया, एक नुकार आसरा दिया था, आसरा ऐसा दिया आपका खुद का आसरा
ललनुगारा ने लुटन दा और लड़ा। मैंने जेल नहीं काटी, मेरे बच्चों ने भी काटी है, जो आश्रम में अनाथ आश्रम में रह रहे थे बगैर माँ के, इन्होंने इनका कितने कितने साल के थे वो उस टाइम? एक ऐसा सदमा लग गया मेरे बच्चों को, जो अभी तक उभर के बाहर नहीं आ पा रहे, वो अभी भी डरते हैं, कहीं भी मैं जाती हूँ मेरे साथ जाते हैं, इतना डर बैठ चुका है इनके मन में भी, शायद मम्मी फिर ना चली जाए। कितने कितने दिन के थे उस टाइम बच्चे जब आपस में मिले? मेरी छोटी गुड़िया 6 साल की थी, जो अब 8 साल की है, मेरी बड़ी गुड़िया 10 साल की थी, जो अब 13 साल की। ले भाई, इस तो बड़ा पहाड़ नहीं टूट सकता किसी परिवार पे, जद किसी ना आसरा देवान वो या अपना आसरा खोसने का काम करे। प्रशासन तो भी यह दरखास्त रहोगी कि जो इन दरखास्त दे है उन पे भी थोड़ा अमल लेने का, कार्रवाई करने का काम करे, जो इनका सामान है वो दुआने का काम भी करे। नहीं दुआने में हमने भी आवे है ठेठर जाना कला नू भाई, इधर तू दत्तू पकड़ा मामे, लेकिन प्रशासन तो पहले यार होगी कि थोड़ा आसमान जो भी इनका बना है वो इनका एक बार बैठ के सुलझाया गया, इन तक दुआने का काम करे, जितना उसके वीडियो ने शेयर करने का काम करते। जय जवान जय किसान।